ये सब कर रहे। तेरे माँ की छूट टकले, तेरे अच्छा, हाँ। अरे ये तो तेरा चेन लेके पहनता है ना, ये तो तेरा चेन यार, क्या रे तेरा ये चूजे जो की सोने का चेन है। हाँ? तेरे माँ ने कॉलगेट ज्यादा लगाया था नहीं, ये जो सोनावड़े बाबू है, इसका बड़वा, सोने का चेन लेके पहनता है, सच बता यार। सच्ची इसको क्या बोलते हैं तेरी माँ की दोस्ती यार चूट यार। पकड़ो, तेरे माँ को लेग पीस, लेग पीस पसंद है, लेग पीस पसंद है, लेग पीस पसंद है क्या तेरे माँ को? हाँ अरे सुनना, लेकिन तू नहीं, वो सब छोड़, वो पसंद है कि नहीं, लेकिन तू बचपन में मोरी में चुराता था ना, सच बता। बचपन में तेरी माँ तूने भी मोरी, तेरे एक बचपन में तेरी माँ भी मोरी में आती थी। अरे तेरे को, तूने देखा नहीं, अभी एक कनाडा का फैन आया था, उसको अगर मैंने लिया, बट कुछ भी बोल यार, तूने तेरा वो जो गाड़ी है ना, उसके पीछे जो तूने माँ बड़े की बड़े माँ देखो अक्षर में लिखा है ना। मोरी में गई थी, फट करके मुंती पटकर से तू बाहर, देखते तो इसकी माँ की, जो तेरी माँ टेंशन में, इसकी माँ को चूतू क्या हो गया, देखते तो बड़वा तू हाफ बिरयानी पैदा नहीं, ये जो भाड़े के टट्टू पीछे हंस रहे हैं ना यार, कसम से, मतलब वो कहते हैं ना हो। यार, हाँ, मतलब कोई बंदे के पीछे अगर, कैसे वो हंसते नहीं है, वो भांड, इसे ये जो हंसते हैं ना पीछे, उनको भांड कहते हैं, भांड। तू जा इच्छी गांड, सुनना तू जो स्कूटी पे जाता है, तेरी माँ पीछे बैठी है नाइटी में, 70 रुपए वाली नाइटी पहनती है, तेरे माँ को जरा दूसरी नाइटी दिलाना जरा। अरे लेकिन मेरे मम्मी डैडी लॉस एंजलिस के हैं। इनकी चूत तेरी लॉस एंजलिस में जाता है, उधर तेरी माँ गई थी कि लॉस एंजलिस घर पे आया था? अच्छा, और खारदंडा का कैसा, मच्छी, मच्छी कैसा तेरी माँ अभी भी? आती है मच्छी बेचने के लिए नहीं, पापलेट। तू मुझे एक बात बता, रत्नागिरी में जो तुम लोग, तुम्हारे जो पूर्वज करते थे रत्नागिरी में मच्छी मारी का, वो अभी भी कर रहे हैं क्या तुम लोग इधर खारदंडा में? अच्छा, अच्छा, तो मेरे, हाँ सुनना, मेरे हापुस कब दबाएगा तू ये बता। तू मेरे गोटे चूसेगा तब? बट कुछ भी बोल यार, तू जो बिन, तू वो छमिया बन के आई थी ना यार, कसम से बहुत सेक्सी लग रही थी तू, वो जो टैंगो, टैंगो ऐप में तू आती है ना, मेरे को मुंबई वोट दो वोट दो, में संतरे आता वगैरह लगा के तू जो वो छमिया बन के आती है ना यार, कसम से भाऊ बहुत तू हॉट लगती है, एक बार करके करके बताइयो तो डांस तेरा। क्या हंसता है? तेरी माँ ने दांत नहीं घसे थे ना नहीं जब नहीं तू वो मस गया तू, रेशमा चरे घनी लाल अच्छा काले धागा नी, कर्नाटक की कशीदा मी काढ़ीला, हाथ न कलाऊ भाऊचा गांडीला। हाँ, तू लटक मजा अंडाला। ये जोक नहीं था, फिर भी भाड़े के टट्टू हंस रहे यार, मतलब कसम से। तूने तेरे ठोके है, तू बोल ना, नाक में लेगा, मुंह में लेगा, गांड में लेगा, किधर लेगा? कान में लेगा। अच्छा अभी तेरा कौन सा नए, तेरे कौन से प्रोजेक्ट है? पापड़ तोड़े थे ना वो वही पिक्चर आने वाला है आज। और मैंने सुना है कि तू संजय दत्त के साथ कुछ मूवी करने जा रहा है, क्या नाम क्या है मूवी का? मूवी का नाम क्या है मालूम है? दीपक कलल के माँ को चौदह हिंदुस्तानी भाव। नहीं, मूवी का नाम है मुन्ना भाई बोमबिल वाला, मुन्ना भाई सुक्के बोमबिल वाला। वो नाम है 50 तोला, उसमें था ना, इसमें 50 रुपए का बांगड़ा तेरे माँ के चूत में, ये नया पिक्चर आने वाला अच्छा, और मैंने सुना है कि तू ये साइकिल की चेन को पीला ऑयल पेंट लगा के घूम रहा है यार, है। सोने की जो असली चमक होता है ना, इतना चमकता नहीं है यार, क्योंकि थोड़ा तेरे माँ मुझे ये ने डुप्लीकेट। नमक डाला था, दाने दाने में नमक का स्वाद। और तेरा मैंने वीडियो देखा, वो लड़की जो है ना, वो अगर तेरे ऊपर कंप्लेंट करेगी ना, तुझे पता है वुमन राइट्स वगैरह तुझे इतना नॉलेज नहीं है, तू बहुत बुरी तरह से फंसेगा। तुझे एक बात पता है, एकता कपूर और मैंने क्या किया तेरे साथ? क्या तेरी माँ चुदाया था मैंने? हाँ, तो मैं तुझे यही बोल रहा हूँ भाऊ, अभी भी मैं तुझे कह रहा हूँ, औरत जात की इज्जत कर, भले वो पाकिस्तान की हो, किधर की भी हो। तुझे पता है वो साजिदा का मुझे फोन आया था, उसने मुझे कहा उसकी उसकी चूत चाटता है तू जाके साजिदा अहमद की? सनम हाँ, तो वो ऐसा नहीं, देख खान का लड़ भी नारी चूत, नारी होती है, इतना ध्यान में रख भाऊ, नारी नारी होती है, जो नारी भले वो की, कौन से भी देश की हो, नारी की हमें इज्जत करनी चाहिए। जो नारी है ना उनकी इज्जत मेरे को कैसा करना है मेरे को आता है। तेरे लाइफ पे तूने लड़कियों की कैसी तू इज्जत निकालता है ना मेरे को मालूम है। मैं कभी लड़कियों की इज्जत नहीं निकालता है, मगर क्या है मालूम है, तेरी गांड मारना ये मेरा फर्ज है और मैं मारते रहूंगा। भले मैं आज तक कभी गू की गाड़ी नहीं चलाया, मगर तेरी गू की गाड़ी कंफर्म चलाऊंगा। अच्छा, मेरे को एक वीडियो बनाना है जिसमें मैं तेरी दे धनान धुलाई कर रहा हूं, मैं और चाहता मेरे हूँ, को वो वीडियो वायरल करने का है, तो मैं मैं बंबई आ चाहता रहा हूं, ये बता मेरे को कहां पे मिलेगा? मैं चाहता हूँ कि तू आवे, मैं तेरा इंतजार ही कर रहा हूँ। तो तू कब आ रहा है ये बताना। नहीं, सुनना, लेकिन मैं जो हूं ना, मैं एक्चुअली वो ज्यादा करके मेरा साउथ सुन बॉम्बे में घर है, नेपियन सी रोड, पेडर रोड, अल्टा माउंट रोड, वहां पे मैं घूमता हूँ। ना मेरा बच्चा, तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। कब आ रहा है तू मुंबई? मैं आ रहा हूं, लेकिन देख,
पिछली बार भी मैं आया था, मैंने तेरे को ललकारा था, लेकिन नहीं वो झोपड़पट्टी पूरी कोई भी नहीं था वो झोपड़पट्टी में। ये टाइम अगर मैं तेरे तू भी झोपड़पट्टी में आऊंगा चोदूंगा ना, मुझे, तेरे को झोपड़पट्टी में ही चोदूंगा मैं, तू कब आ रहा है सी बता। नहीं लेकिन देख तू जहां पे लाइव जाता है ना, वो तेरे घर में वो फैन वैन जोर से चलता है, मेरे को स्प्लिट एसी की आदत है, तो क्या बेच के स्प्लिट एसी लगाएगा ये बता। तेरे अगर तू माथे मेरे को जो तेरे घर पे इनवाइट कर रहा है लगा ना, है ना, सुनना, जियो का टावर तेरे माँ के छत पे जो लगा है ना वो जरा हटा दे, समझा? क्योंकि ना अंबानी का बहुत बड़ा लंड तेरे माँ के छत में गया, वो जरा हटा ना, समझा? अरे अंबानी का पता नहीं, तू मेरा लंबा नहीं लेगा, एयरटेल मेरा का एक लंबा नहीं ले ले एक बार। एयरटेल एयरटेल का लंड तेरे माँ के छत में डाल, अच्छा है, कोने कोने में नेटवर्क जाता है। अच्छा, और तुझे एक बात पता है मेरे को क्या संबोधने वाले अभी, मुझे एक अवार्ड मिलने वाला है और मुझे कहने वाले विश्व भाऊ, हाँ, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूं। तेरे को अवार्ड है ना, अवार्ड, इतना बड़ा लंड मिलने वाला है, ऐसा गधे का लंड मिलने वाला है, वो तेरे गाने में डालते रहना, लोकन का नहीं रहेगा वो सारे मिक्स करके। देख क्या है मालूम है, इधर से लंड फेंक के मारूंगा ना, तेरे आधी खानदान प्रेग्नेंट हो जाएगी, समझा? तो ये तो मेरे को बहुत पुराना डायलॉग लग रहा है यार, तो मतलब ये डायलॉग इतना नया नहीं लग रहा नया लेना झाटे के साथ। है। अच्छा, तूने ये नहीं सुने है क्या, आपने ये कमेंट्स देखना कि दीपक कलाल ने हिंदुस्तानी भाव की जम के ली, हिंदुस्तानी भाव को पेला वगैरह, तेरे को तू पढ़ता नहीं है तो तुझे ऐसे फील नहीं होता है कि भाई हिंदुस्तान में एक लड़का है जिसने तेरी मारी दबा कर? हाँ सुनना, नहीं, सच्ची बता, ये बात तू मानता है कि मैं तेरे ऊपर भारी हूं, ये बात तू मानता है? तेरे जो तू डायलॉग देता है ना, तो कभी कभी शक ना मेरे को जॉनी लीवर पे आता है। अच्छा, अनारकली का फोन है, दीपक कलाल को चोदना जरूरी है, मालूम है अभी डायलॉग? ये लाइव होने के बाद ये वापस चैन लौटा देगा क्या सोनावने भाव को? अच्छा, ए तेरी माँ की चूत, तू गलत बात मत करा। नहीं 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 तेरी बहन की चूत, तेरी मेरे से बात कर। बोलना झाट के चौथे बल। और वो नहीं, वो बोलना भूल गया, टूटा हुआ। काम करना, मैं हर महीना ना झाटे निकालता हूँ इतने बड़े बड़े साइज के, तू तेरे बाल पे लगा ना, डोनेट करेगा, इधर लगा टकले पे लगा और डोनेट करेगा, राई का तेल के साथ लगा देगा। क्या करना मालूम है, कापूर और ना राई का तेल रात भर भिगा के रखना, फिर उसमें मेरे झाटे डालना, फिर वो ऐसा करके ना, सिर्फ रोज ऐसा करना, रोज तेरे सर पे झाटे उग जाएंगे, तो 1 महीने का गारंटी। तू इतना गंदा कैसा है, तू किधर पैदा हुआ रे? क्योंकि क्योंकि ना क्योंकि क्या है मालूम है, मैं गु की गाड़ी चलाता हूँ ना, तेरी गांड मार के मारते 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 थोड़ा गंदा हो गया, क्या करेगा, अच्छा नहीं लगता है मेरे को भी, मगर तेरी गांड ऐसी है अच्छा लगता है, म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी चलाना पड़ता है, बाप रे, फरमाइश फरमाइश। अगर ये वीडियो संजय दत्त ने देख लिया ना, बिन तो कसम से मैं कह रहा हूँ, बहुत, मतलब तेरे को वो कंपाउंड वॉल में भी नहीं घुसने देगा। मालूम तेरे गांड में 50 तोला डालेंगे, मेरे को भी मालूम है। बोल। नहीं रे, मतलब मैं हार गया रे, क्योंकि मेरा जो संस्कृति है, क्योंकि देख मेरे मम्मी डैडी लॉस एंजलिस से, ये बात तू मानता है, तो कहीं ना कहीं यार, मतलब मैं कहाँ पे जीत पाऊंगा यार। कैसे हार सकता है तू, आज मैं पहली बार मूड में तेरी माँ को चोदने के। और तू हार गया कैसा? नहीं, मतलब कैसा है ना कि मेरा जो स्टैंडर्ड है ना, वो मेरे को, क्योंकि मेरा जो लाइव है ये पारिवारिक लाइव है, यहाँ पे पारिवारिक, पूरे देश, अभी थोड़ी देर पहले कनाडा का बंदा आया था, देखा तूने? तेरी माँ को चोदने, वो कैंडी कैंडी क्रश तेरी माँ के चूत में डाला था, वही कनाडा का था ना वो। हाँ अरे जिसके कुछ तो शर्म कर, तू जो ये ऐसे बोल रहा है ना, तुझे क्या लगता है ये ऐसे किए गाली देके, ऐसे जिसके गाली ऊपर देके तू क्या दबाव, बहुत बड़ा, उससे तू बहुत देशप्रेमी हो जाएगा क्या? इसमें ये सब छोड़ दे भाऊ, अभी भी मैं तुझे कह रहा हूँ, मुझे तुझे अगर सुनना, थोड़ा भी इंडिया से प्यार हो ना, अरे क्या वो ये वीडियो बनाता है, पीछे सब वो बियर की पोची बोतल रहती है। पुच्ची, सुनना मेरी बात, मैं देशभक्त है ना या नहीं है ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, मगर तू कितना बड़ा भड़वा है, हाफ बिरयानी तेरे माँ ने शक्कर खाई 1.5 किलो, तब तो आदरचोत तेरे जैसा आदरचोत मिट्टा पैदा हो गया, समझा? ये पूरी दुनिया जानती है, नहीं जानती है? बता बता बता, बड़वा नंगा सोता है तेरी माँ की चूत तेरी, क्यों नंगा सोता है? अरे मैं यहाँ पे कश्मीर में हाउस बोट में रहता हूँ, समझा, कश्मीर में हाउस बोट में रहता हूँ मैं, तेरे कश्मीर जैसा हाउस नहीं। बोट में रहता है, तो एक काम कर, हाँ वो कश्मीर में जो हाउस बोट में भाई रहता सुन, है वो एक लकड़े टूरिस्ट लेकर बन के घूमना और मछुआरा बन के समंदर में घूमना, इसमें फर्क है, समझा? ना, तू बोल रहा था कि तू मुंबई आएगा मेरे को मारने के लिए, कभी आने वाला है तू? हाँ, तो मेरी जुलाई में फ्लाइट है और उसके बाद में मैं वहां पे आऊंगा, और हाँ जितने भी मेरे मेरे बॉडीगार्ड्स हैं ना, मैंने सबको बोला है कि भाई ये द्वंद्व युद्ध है, इसमें हाँ दो खिलाड़ियों का युद्ध होगा, और मेरे नहीं 12 बॉडीगार्ड्स में से मैं एक को भी अलाउड नहीं करूंगा कि वो हम दोनों के बीच में आए, इतना तेरे मैं तुझे 12 बताता हूँ। ना, 13 12 और 13 तू, समझा? 14 भी आएगा तो मेरे लौड़े पे बैठा, मेरे अकेले को लंड से फर्क नहीं मैं पड़ेगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तेरे मुंह में इतना गंदा मुतूंगा ना, मैं इतना गंदा मुतूंगा ना, तू बियर पीना छोड़ देगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाऊ। भोसड़ी के गलती से मिस्टेक हो गया, तेरी मामूत ने गई वांडो बारा है, सुन मेरी बात, तू है ना, तू
तू तेरे 12 तेरा 14, पूना में जिस दिन आया ना, मुंबई भी आने की जरूरत नहीं, पूना में जिस दिन आया कॉल कर देना तेरी माँ अगर कॉलगेट से दांत घसेगी, कन्फर्म मैंने वहां पे आके तेरे को लातों लातों से नहीं मारा और मैंने तेरे मुंह में मूत के मैंने वीडियो नहीं बनाया तो बता, तू अब बता मेरे को, मैं अब चाहता हूँ बता, ये चैलेंज करता हूं मैं, कन्फर्म, मेरा चैलेंज तू क्योंकि एक्सेप्ट कर। क्योंकि सुन ना मेरा बच्चा, जितने भी लाइव में जिसको जिसको तूने जो तकलीफ दिया है ना, वो तू आके लड़कियों को भी गाली देता है, औकात बताता है। मैं चाहता हूँ कि वो भी देख लेने, जब तू मेरे को मिलेगा ना तो मैं तेरे साथ क्या क्या करने वाला हूँ। लिज्जत पापड़ तेरे गांड में नहीं तोड़ूंगा, तो देख लेना अच्छा ठीक है, कुछ चल दिन लगे। मैं तेरे को नहीं मारूंगा, अगर तूने वो जो लाल ओपन गाड़ी है ना उसके डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए ना, अगर वो तेरे नाम पे है समझा, अगर तूने उसके डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए ना, सच बता किसकी मांगता है तू तेरे को एम्बुलेंस में चो देगा, एम्बुलेंस में सायरन बजा के, सायरन बजा के चो नहीं देगा तेरे को। सच बता, तू जो ये अभी बोल रहा है सच बता, अंदर ही अंदर खौफ है ना तेरे को दीपक कलाल का, सच बता खौफ है ना। कभी आने वाला है तू? अच्छा एक बात बता, इंस्टाग्राम बता। तेरा उड़ गया, एकता कपूर मैंने नीता अंबानी हम तीनों ने मिलके तेरा इंस्टाग्राम अच्छा उड़ा दिया, उसके बाद में तेरा फेसबुक उड़ा दिया, कैसा फील कैसा होता है तेरे को? बहुत अच्छा फील हो गया, बहुत अच्छा फील हो गया, बहुत मजा आया मेरे को, बहुत मजा आया। मैं चाहता हूँ कि तू आवे और मुझे ना सामने सामने ऐसा बोले कि मैंने तेरा इंस्टाग्राम उड़ा, तो मैं तेरा सत्कार करना चाहता है। कभी आने वाला है तू लड़के चौथे कान? हाँ तो मैं ये क्या बोलता है रे गंदा तू का सबसे यार, मतलब कैसा अभी मैं क्या बोलूँ यार, गंदा लगता है रे भाव, ये सब छोड़ दे रे मलाई वाला टोपी खा, मलाई वाला, मलाई टोपी, टोपी मलाई की टोपी, मालूम ना, क्रीम रोल। ओह माय गॉड, यू वांट क्रीम वाली टोपी? फेवरेट बेकरी से मांगेंगे ऐसे ना चाय में डूबा और चुप, टपक ऐसे अच्छा लगेगा देख, कैसे, मतलब मेरे कैसा में तेरे ऊपर टेस्ट है, संस्कार मेरे है, का पानी आ रहा और चलो। कैसे, मतलब वो कहते हैं ना कि कोई बंदा जो है वो साइंस में कहता है, कोई आर्ट्स में, मुझे ऐसे लगता है कि तूने बचपन में ही गालियों में ही पीएचडी की यार, ये कहाँ से ये सब तू गंदा गंदा सीखा यार, तुझे तेरे जैसे बड़े भी आ पता है मेरे रहे, को तू गालियां देता था ना, मेरे को समझ में नहीं आता था तो मेरे को गूगल करना पड़ता था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्योंकि बॉसरी, तो हाँ मुझे लगा, भोसड़ी, हाँ तो मुझे ये सब पता नहीं था यू तेरी नो। भोसड़ी, भोसड़ी, भोसड़ी का मतलब समझा था? योर मदर स्टार्टिंग में योर मदर पुच्ची, देन 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 यू बिकम अ आउटसाइड, योर माँ का भोसड़ा, इज अ भोसड़ी, देर इज अ बाप रे, भोसड़ी। तो ये सब तेरी सुनने माँ के बाद मतलब तो इंडिया बहुत तू प्राउड फील मोरी में करेगी गई, यार। तेरी माँ मोरी में गई और वो मोती और फटाक कर से तू फाट कर से बाहर आया टकले के साथ, वो भोसड़ी हो गई। अगर वो नॉर्मल आता तो वो वैसी ही रहती, उसको जो मुत्ते समय तू बाहर आया तो उसको बोलते भोसड़ी, तो तू भोसड़ी समझे? बाप रे, मतलब ये देखने के बाद तो बहुत इंडिया के लोग तुझे अप्रिशिएट करेंगे यार, और बिल्कुल भी तेरे ऊपर थूकेंगे थैंक यू, नहीं थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मैं मतलब तेरे ये जो नहीं, मतलब वो अप्रिशिएट कहेंगे कि भावु कितना संस्कारी आपने कितना अच्छा है करके इज्जत दी, इसके लिए अप्रिशिएट क्या बोलता है बाकी लौड़े के चौथे बाल? हिजड़ बुल्या चांगला हाँ तुझा हस की असा गदड़िया वाणी काय हस, तो हिजड़ तुझा बुल्या, हाँ साहुला, तुझा तुझा आईचा मतलब पुच्चीच धबीन खाण्याचा तिकडे असा कोळी कचा चेन, कचा कचा तुझा कचा, आईचा तुला घेई पुच्चीच खाण्याचे शेंगदाण्या, हाँ कोळून, गावटी चिकन टाकून, तुझ्या आईच्या पुच्चीती गावटी बेंडचो मिरची टाकीन, आणि तुझ्या आईला झावलाजी मजायला खायला मजे। तोंड बघ कसं करतो आई जावाड्या, तुझ्या आईनी कधी कुस करून नाही खाल्ली? हां तुझ्या आईला झावला, तुझ्या बकऱ्या अरे झावल्याने ही जर का, खाल्ला हा जर का तुझा व्हिडिओ तुझ्या मुलाने पाहिला तर आपला बाप असा असू शकतो, माझा जो आपल्याला पोरगा आहे असा ना, माणसाने, माझा म्हणजे पोरगा आपला आहे ना, बाप असा असू शकेल असं तुला काहीच लाज नाही माझा वाटत का रे? पोरगा, ऐक ना लवड्या, माझ्या पोराचा लंडच आता एवढा आहे, झोपताना एवढा असतो, म्हणजे तू विचार का, एवढा मोठा झाला ना तर तुझ्या दोन नाकामध्ये एक एक लंड पण टाकला ना, आई जावड्या मुलुडची मोठी पाईपलाईन माहितीये ना, भिवंडी पाईपलाईन, असं तोंड नको करू, बेंचो नियत खराब होते माझी, तुझ्या लंडच टाकीन तोंडामध्ये आई जावड्या। बाप रे कसं काय तू जनला आणि कसं काय, बाप रे खरंच रिअली, मतलब म्हणजे ते असं म्हणतात ना कि असं लाज वाटतं रे निसर्ग असं निसर्ग निसर्ग राजा ऐक सांगतो, दीपक कलाला आईला भाऊ जाऊतो अच्छा मला एक सांग, तो तुझं नाव आहे ना हिंदुस्थानी भाऊ चेंज करून हिंदुस्थानी भडवा का नाही ठेवून घेत? नाही, कारण का माहितीये, भडवे लोक तुम्हीच एवढे झालेत की त्याच्या आईला जाऊला, तुमच्या आईला जवळला हा हिंदुस्थानी भाऊ झालाय